नमस्कार, मैं हूँ रश्मि। रश्मीज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं रवा उपमा। रवा उपमा बनाने के लिए हमने ले लिया है 1 कप रवा, 1 कटी प्याज, थोड़ा सेंगदाना, थोड़ी गाजर, थोड़ी हरी मिर्च, थोड़ा काजू, कड़ी पत्ता, नमक, थोड़ी राई। काजू आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, रवा उपमा में काजू डालना जरूरी नहीं होता है। चलिए अब हम कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा घी और काजू को हल्का रोस्ट करेंगे। ये देखिए काजू हल्के रोस्ट हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। काजू को ज्यादा रोस्ट नहीं करना है। अब हम इसी घी में रवा को भी रोस्ट करेंगे। रवा भी हमें ज्यादा रोस्ट नहीं करना है, सिर्फ हल्का ही रोस्ट करेंगे, उसको लाल होने तक रोस्ट नहीं करना है। ये देखिए रवा हल्का रोस्ट हो चुका है, अब हम इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा तेल। और डालेंगे राई। जैसे ही हमारी राई चटकने लगती है हम डालेंगे सिंगदाना। सिंगदाना रोस्ट हो चुका है, अब हम इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम डालेंगे गाजर। वेजिटेबल आप डालना चाहे तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। अभी डाल देंगे प्याज और इनको अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए प्याज अच्छे से भुन चुकी है, अब हम डालेंगे हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, सिंगदाना, रोस्टेड काजू, स्वाद अनुसार नमक, और डालेंगे पानी। जिस कटोरी से हमने रवा लिया था उसी कटोरी से 3 कटोरी पानी डालेंगे। मैंने 3 कटोरी पानी डाल दिया है, अब पानी को अच्छे से उबलने देंगे, उसके बाद हम इसमें रवा डालेंगे। ये देखिए पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है, अब हम इसमें रवा डाल देंगे। और चलाते रहेंगे। ये देखिए हमारा रवा उपमा बनकर तैयार हो चुका है, एकदम खिला खिला। झटपट से बनकर तैयार हो जाता है रवा उपमा।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।